जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो? देखो अभी मैं जींस और टी शर्ट डाल के रेडी हो गया हूँ। अभी जस्ट रेडी हुआ हूँ और तो आज अभी नाइट में ड्राइव होती अगर मैं शायद बस से नहीं जाता तो। और कहाँ जा रहा हूँ आपको रास्ते में बताता हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो मैंने मतलब बोल के रखा था कि जब तक मैं उधर नहीं जाऊँगा तब तक मैं कहीं और ट्रिप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि द्वारका गए थे तब भी वो चीज़ बाकी थी। और आपने मेरे मुँह से कितनी बार सुन लिया होगा कि मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अभी एक भाई हमें छोड़ने आएंगे, हम बस में जा रहे हैं। और तो क्या ही, और एक चीज़ आपको बतानी है, बताऊँगा नहीं, पर आप वो चीज़ देखोगे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट शायद ब्लॉग में, पता नहीं कब, क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब बता देता आपको, फिर मैंने सोचा कि यार अभी नहीं बताना। बाकी तो क्या ही, बता और बताओ क्या हाल चाल है आपके सबके। पसीना हो रहा है थोड़ा सा, पता है, मालूम है, कोई नहीं, करते हैं, क्योंकि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ही कहीं शायद मैं अच्छी ट्रिप करूँगा। देखो ट्रिप वैसे भी कर सकता था, पर इधर जाने का पहला मन था मेरा और पहला मोटिव यही था कि पहले मैं उधर ही जाऊँगा, उसके बाद कहीं और ट्रिप प्लान करूँगा मैं, वरना तो मैं नहीं करूँगा। बाकी तो क्यों जा रहा हूँ वो मैं शायद, और मैं पता नहीं, एक ही दिन का ट्रिप है, शायद दो पार्ट या तीन पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए हमें, हमें वीडियोस भी तो चाहिए। इसलिए अभी इस्कॉन जाना है पहले, तो उधर से हमारी बस है इस्कॉन अहमदाबाद से, और उधर से डायरेक्ट बताऊंगा मैं, उधर जाके बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। से बस जाने वाली अपनी गाड़ी उधर अपनी आई प्लाट है कॉफ़ी के बिना। मैं बैठ गया हूँ अभी बस में और सुबह पहुँचूँगा शायद 10 बजे। और है एक अंकल मेरे साथ में, मैंने सोचा था कि उस साइड वाली बुक किए, पर नहीं यार गलती। मैं अभी फाइनली हम पहुंच गए मंदिर पे और बस सामने ही, मतलब सामने क्या, थोड़ा दूर तो है मंदिर, पैदल पैदल पहुंच जाते हैं हम फटाफट से। ऑटो रिक्शा भी मिल रही है पर अभी तक कोई
मतलब एक पैसेंजर को लेके वो जा नहीं, और जाएंगे तो भी ज़्यादा लेंगे पैसे, इसलिए फिर मैंने बोला चलो ना भाई पैदल, इतनी दूर आया है। फिर ये राम मंदिर सामने ही है बस। तो भाई अपने मस्त दर्शन हो गए, ग्लो है। देखो यार कितनी धूप पड़ रही है ना, इतनी बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़ धूप है, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। नहीं नहीं यार, नहीं चाहिए। और मस्त दर्शन हुए, मैं एक घंटा उधर बैठा रहा, और भाई वाइब तो है, बहुत पीस मिला माइंड को। और अभी मैं वापस जाऊँगा उस साइड सी व्यू देखने के लिए, और उधर से भी रील तो क्या ही बनाऊंगा। रील के लिए मैं वैसे भी नहीं आया था, मेरे को सिर्फ दर्शन करने थे, वो भी बहुत अच्छे से हुए मेरे दर्शन। तो बस कि अगर कुछ फ़ोटो वोटो शूट हो जाए तो सही है, ऐसा कि एक मेमोरी रह जाएगी अपनी कि हाँ हम इधर आए थे। पहुँच गए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, सोमनाथ के सामने ही है, मतलब सोमनाथ मंदिर के सामने ही है। तो जी हम एंटर हो गए इस बीच साइड व्यू देखने के लिए। मंदिर का चार्ज था करीबन 5 रुपये, तो चार्ज दे के और उधर मंदिर में दर्शन करके इधर हम इस साइड आ गए। हनुमान जी की मूर्ति है, और इस साइड सब कुछ खाने का ही है इधर, और इधर मंदिर, और हम चल दिए मंदिर की साइड पे। करा तो लगा लेते हैं, बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सबको वीडियो कॉल, सबको मम्मी पापा दोस्त जिनको कॉल करना था सबको कॉल भी कर लिया। और ये देखो पीछे ये रहा मंदिर। यार मेरा तो पूरा चेहरा हो गया धूप से, लाल हो रहा है पूरा शायद। ये रहा पीछे मंदिर, और इधर सामने समुंदर है। चलो है ना, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इधर से स्टार्ट करूँगा मैं, पर दो पार्ट में, ठीक है। चलो गुड बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।